हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैलेंज मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? और साथ ही साथ दोस्तों, मैं दो दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वीडियो मैं अभी डाल रहा हूं टाइम से पहले। ना आने का रीज़न ये था कि मेरी आँख में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा था। उसका रीज़न मैंने जब स्टडी किया थोड़ा सा गूगल वगैरह के थ्रू, तो पता चला मेरे बॉडी में थोड़े वाटर कंटेंट कम हो गए। अभी भी जलन हो रही है, बट मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए, एफर्ट के लिए मेरे थोड़े लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर मन करें तो। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेयरकेस के बारे में, और स्टेयरकेस के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे तो आपने बहुत ढेर सारे टाइप्स के स्टेयरकेस पढ़े होंगे, बट उसके साथ ही साथ कुछ आपने फिक्स डाटा पढ़ लिया होगा। आपको लगता है यार हर जगह पे वही फिक्स डाटा यूज़ होता होगा, ऐसा नहीं होता है। वो कौन कौन से फिक्स डाटा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ मैं, तो पहले सबसे पहले मैं राइजर की बात करता हूँ कि राइजर में आपको क्या पता रहता है। आपको लगता है कि राइजर जो होता है वो 150 mm होता है। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं बोला हाँ 150 होता है। आप बोलोगे ट्रेड, तो मतलब कोई बोलेगा 230 mm या फिर 9 inches में बोल देगा, इंचेस में बोलेगा, तो करेक्ट। अभी मेरी आँख थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि तो हम लोग लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा एक्सेस करते हैं ना। 16 से 18 घंटे मुझे लगता है 16 घंटे तो मेरा आराम से डेली लैपटॉप पे बीतते हैं दोस्तों। तो राइजर जो होता है उस पर हमको थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहिए। राइजर जो होता है, हमेशा याद रखो, केवल 150 नहीं होता है, ये 150 से 180 mm तक वेरी करता है। पहले रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, 150 mm से 180 mm तक वेरी करता है। क्यों? क्योंकि अगर स्पेस कम है, अगर आप राइजर 666 inches का देंगे तो 21 stair लगेगा आपको एक फ्लोर पार करने में। तो प्रैक्टिकली जो होता है ये 150 से 180 mm तक वेरी करता है आपका राइजर। ट्रेड की बात करता हूँ, ट्रेड जो आपको 230 mm पता होता है वो भी वेरी करता है 220 से 250 mm तक। कहाँ से कहाँ तक? 220 से 250 mm तक वेरी करता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जरूर याद रखेंगे, एक गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन ये है कि राइजर कभी भी 200 mm से ज़्यादा किसी भी केस में करो ही मत। 200 mm से ज़्यादा कभी भी किया, ये मैक्सिमम का रूल है, 200 mm से ज़्यादा कभी करना ही नहीं चाहिए राइजर। और ट्रेड कभी भी 200 mm के नीचे करना ही नहीं चाहिए। राइजर कभी भी 200 mm के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ट्रेड कभी भी 200 mm से नीचे नहीं आना चाहिए। कैसा लगे ये गाइडलाइन? ये बहुत ही फिक्स रूल्स है ये, जो कि बहुत जब आपने काम करोगे तब आपको आइडिया लगेगा ओके हाँ ये प्रैक्टिकली यही है। ट्रेड कभी भी 200 mm से नीचे कर दिया तो पैर ही नहीं रख पाओगे। चलो अब बात करते हैं कॉमर्शियल के राइजर की। कॉमर्शियल में राइजर जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं। रीज़न कॉमर्शियल एंड पब्लिक बिल्डिंग में, क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है और कई फ्लोर होते हैं। अब कई फ्लोर अगर बिल्डिंग के रहेंगे उसमें अगर आप राइजर क्या बोलते हैं 180 mm का लगा दोगे, पैर दर्द करने लगेंगे, कोई यूज़ ही नहीं करेगा आपके स्टेयरकेस को। और आज तो लिफ्ट आ चुका है तो भी बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी ऑफिस में देखता हूँ। तो आपको कितना रखना चाहिए उसमें? उसमें आपको 120 mm से 150 mm तक राइजर रखना चाहिए। कितना? 120 से 150 mm तक राइजर रखना चाहिए। दूसरी एक छोटी सी चीज़ और आपको याद रखना चाहिए, वो ये कि आपको जब कभी भी जैसे कि 120 से 150 तक ये रखा पर आएगा, तो ट्रेड जो है आपका वो होना चाहिए आपका ट्रेड 250 mm से 300 mm तक। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया बहुत हाई जाना है तो रुक रुक के आराम से जा सकते हो, तो 250 से 300 mm तक आपको ट्रेड रखना चाहिए। एक कंफ्यूजन लोगों को विड्थ में भी रहता है। लोगों को लगता है विड्थ हर जगह पे 3 feet ही रखेंगे, ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था कॉलेज में। तो अब एक्चुअल में कितना होता है? एक्चुअल में ये 0.8 meter से 1 meter तक रेसिडेंशियल के लिए होता है। कितना? 0.8 से 1 meter तक। अगर स्पेस कम है तो क्या नहीं दोगे स्टेयरकेस? देना पड़ेगा। तो 0.8 से 1 meter तक आप दे सकते हो। कॉमर्शियल में ये गाइडलाइन चेंज होती है। कितना देना चाहिए? 1.8 meter से 2 meter तक आपको देना चाहिए। कितना? 1 meter। कॉमर्शियल मतलब मेरा कहने का मतलब है पब्लिक बिल्डिंग, 1.8 से 2 meter तक आपको विड्थ देना चाहिए स्टेयरकेस का। एक और चीज़ है, मैंने कई लोगों को देखा वो नहीं, उनको आइडिया रहता है राइजर आपने सॉरी विड्थ जो है आपका वो आपने रख दिया 1 meter, और जब ऊपर लैंड कर रहे हो मतलब लैंडिंग जो है आपकी वो रख दिया 0.5 meter। ऐसा कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए, गलत है, ठीक है। तो वहाँ पर सही से स्टील भी नहीं लग पाएगी। दूसरा आपको एक फिक्स थंब रूल भी है, जितना विड्थ होगा आपका स्टेयरकेस का उतना ही आपको लैंडिंग का विड्थ रहना है। स्टेयरकेस का विड्थ जितना है उतना ही लैंडिंग का विड्थ देना पड़ेगा। गांठ मान लो अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बता दो भाई ये रूल होता है और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको देना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे आँख में थोड़े थोड़े पेन हो रहे हैं, बट फिर भी इसके टाइप्स की बात करता हूँ।
देखो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो टाइप्स जो मैक्सिमम यूज करते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक तो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है डॉग लेग। नो डाउट डॉग लेग लगभग हर जगह पे आप देखते होगे, मैक्सिमम कॉमर्शियल बिल्डिंग में तो डॉग लेग ही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। डॉग लेग में कभी भी जब आपका एक स्टेयर ऐसे जाता है और एक स्टेयर ऐसे जाता है, मतलब एक फ्लोर क्रॉस करो जब ऊपर जाते हो, तो उनके बीच में एक स्पेसिंग आपने देखा होगा। वो स्पेसिंग कितना रखते हैं कई लोग को पता रहता है, मतलब एक बेस लैब बोलते हैं इसको, जो वैसे ही रहता है एक बेस लैब और ये वाला बेस लैब जब रहता है तो आपका उन दोनों बेस लैब के बीच में कितनी गैपिंग रखते हैं, तो उनके बीच में 150 से 200 mm की गैपिंग देनी चाहिए। कितना? 150 से 200 तक की स्पेसिंग देनी चाहिए, mm में याद रखना। वेस लैब का जो डेड लोड होता है वो ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो क्या रहता है, वो ऐसे शेप में ना है, वो ऐसे जैसे स्लैब होता है अपना, स्लैब तो ऐसे है प्लेन में है, ठीक है। ये आपका जिस तरीके के शेप पे जब रहता है आपका शेप, तो उसका वेट ज़्यादा रहता है, उसमें एरिया ज़्यादा लगता है, तो उसका जो स्लैब ज़्यादा है उसका जो डेड लोड होता है वो भी ज़्यादा रहता है, इसीलिए जनरली उसका थिकनेस भी वे स्लैब का ज़्यादा रखते हैं। और कौन से टाइप्स के हम लोग स्टेयरकेस यूज करते हैं अपने बिल्डिंग्स में? वो यूज करते हैं जैसे कि आपका, हाँ, एक उससे पहले बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद आ रहा है मुझे, कभी भी जब आप ऐसे वेस्ट स्लैब डालते हो तो उसमें मैक्सिमम कितना एंगल देना चाहिए, मिनिमम आप कॉपी करो, मतलब यहाँ पे कमेंट करो, मैक्सिमम मैं बताता हूँ, मैक्सिमम होता है 38 का एंगल। कितना? 38 का एंगल। कई किताबों में 40 का एंगल लिखा हुआ है, बट 38 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मिनिमम आप टाइप करो कि मिनिमम क्या होता है, समझ रहे हो ना कौन से स्लैब की थिकनेस बता रहा हूँ मैं। जब कभी ऐसे करो तो यहाँ पे जब वेस्ट स्लैब जाती है तो उसकी कितने के एंगल पे उसको लेके जाना चाहिए, एकदम ऐसे कर दोगे क्या, फिर ऐसे कर दोगे क्या? मैक्सिमम 38 एंगल, इससे ज़्यादा आपको 38 डिग्री से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये तो रहा डॉग लेग, बाकी में तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि स्ट्रेट स्टेयर केस आप तो देखते होगे, तो स्ट्रेट स्टेयर केस तो आपका ईजी रहता है, एक तरीके का होता है वो। इसके बाद एक होता है ओपन वेल, ठीक है। ओपन वेल आपने देखा होगा बीच में ढेर सारी स्पेसिंग दे दिया, ऐसे जाके फिर ऐसे जा रहे, तो वो ओपन वेल भी हम लोग यूज़ करते हैं। और ओपन वेल के अलावा स्पाइरल है, कर्व शेप है, ये सब भी अगर एरिया कम है तो वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है, अगर एरिया ज़्यादा है तो नहीं यूज करते, प्रीफर नहीं करते, ये एरिया कम लेते हैं। और आजकल तो स्टील के भी आपके स्टेप के साथ चुके, आपने देखा होगा कर्व शेप में एक पोल लगाते हैं, चाहे आरसीसी हो चाहे स्टील हो, कर्व शेप में आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पोल जरूर देना चाहिए, तो पोल से क्या होता है वो सपोर्टेड हो जाता है। इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, मतलब स्टेयरकेस देना कहाँ चाहिए? तो स्टेयरकेस जो होता है ये आपका सबसे अच्छा, जो मैं प्रीफर करता हूँ प्रैक्टिकली, कि ऐसे जगह पे जहाँ से हर कोई एक्सेस कर सके। मतलब आपने सपोज रो हाउसेस बनाया, जैसे मैं बनाता रहता हूँ रो हाउसेस, तो रो हाउसेस जब बनाते हैं तो अब उसमें सपोज आपको सेकंड फ्लोर कभी या फर्स्ट फ्लोर कभी आपको रेंटेड करना है, तो अगर आपने घर के अंदर स्टेयरकेस डाल दिया तो अब रेंट पे अगर कभी आप देने के सोचे तो अब कैसे दोगे, आपको प्रॉब्लम जाएगी, करेक्ट। तो ऐसे जगहों में हमें प्रीफर करना चाहिए कि बाहर, मैं हमेशा बाहर प्रीफर करता हूँ, कि जैसे आप जहाँ से प्लॉट स्टार्ट हो रहा है उसके बाहर, मतलब रोड पे नहीं, अपने ही प्लॉट में स्टेयरकेस बाहर से दे दो, तो क्या होगा, सबके लिए एक्सेसिबल हो जाता है, चाहे फर्स्ट फ्लोर चाहे सेकेंड फ्लोर, कभी रेंटेड रखना है या आपको खुद रहना है तो उसके लिए आपके लिए बेटर रहता है। तो पहला प्रेफरेंस मेरा ये होता है। बट अगर आपका फुल मूड ही है कि नहीं मुझे आपका बंगलो जैसा बनाना है और उसमें कुछ भी ऐसा रेंटेड का कोई भी प्लान नहीं है, तब आपको घर के मिडिल में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? मिडिल में रखना चाहिए, जहां से हर कोई एक्सेस कर सके उसको। ये तो रहा रेजिडेंशियल की बात। अब बात करो अगर कॉमर्शियल की, तो कॉमर्शियल में अभी रेरा का रूल आ चुका है, तो रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग ये हो चुका है कि आपका जो स्टेयरकेस होना चाहिए वो लिफ्ट के सामने होना चाहिए। सामने मतलब इधर लिफ्ट है तो इधर आपका स्टेयरकेस रख सकते हो, या फिर इधर लिफ्ट है और इधर स्टेयरकेस, तो बहुत अच्छा है। तो आपका जो लिफ्ट है उसके सामने आपका क्या होना चाहिए, स्टेयरकेस होना चाहिए, तो तभी आपका रेरा के रूल्स के अकॉर्डिंग तभी आपका पासिंग होगा। और वो बात की बात है, आप जो वार्ड कर लो बात की बात है, बट रूल जो है रूल यही है कि उसके जस्ट सामने होना चाहिए। तो ये थे कुछ गाइडलाइंस जो कि स्टेयरकेस में आपको ध्यान देना चाहिए। और स्टेयरकेस में जो अगर थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर की और डीप में समझोगे, तो अगर डेड लोड की बात करूँ तो डेड लोड तो हमारा फिक्स है कि जितनी थिकनेस है, थिकनेस इनटू मतलब जो अगर डेड लोड निकालना है स्टेयरकेस का, कैसे निकालोगे, डेंसिटी इनटू थिकनेस, डेंसिटी 25 है, थिकनेस 200 mm मान लो, तो 5 किलो निकल जाता है, प्लस ट्रेपोजाइडल शेप का आपका वेट निकाल लो तो आपका डेड हो जाता है। लाइफ की बात करूँ तो लाइफ जो होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में 3 किलोमीटर लगता है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में 5 किलोमीटर, कॉमर्शियल मतलब पब्लिक बिल्डिंग और कॉमर्शियल दोनों में, रेसिडेंशियल में 3 किलोमीटर, कॉमर्शियल में 5 किलोमीटर। चलिए, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए कुछ नया रहा हो अगर, तो इसको सपोर्ट करिएगा और
नहीं नया रहा तो कोई बात नहीं, और साथ ही साथ मेरे लाइक आपकी वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं अभी इसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो होप आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे। और थैंक्स फॉर सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि तबीयत ठीक हो या ना हो मुझे बनाना ही बनाना है, इसीलिए मैं जल्दी से आया। और करना चाहिए यार, हर किसी को नहीं भी हो पाए तो भी करने की कोशिश करनी चाहिए, लाइफ का यही मोड, मतलब मेरा तो यही टारगेट रहता है कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती करो, जितना हो सकता है अपनी बॉडी को खींचो, क्योंकि अब बॉडी में वाटर का कंटेंट कम है तो इसमें और सब कंटेंट तो अच्छे हैं ना, उन कंटेंट को थोड़ा जियो। मैं पानी पी रहा हूँ इससे ज़्यादा, अभी भी मेरा गला सूख रहा है बार बार, तो शायद मुझे लगता है यही फैक्ट है एक्चुअली, इसी वजह से हो रहा है। उसका रीज़न ये होता है, थोड़ा सेपरेट कर वीडियो हो गया, आपको थोड़ा बताता हूँ। हमारा जो होता है जैसे कि मैं बोलता हूँ ज़्यादा, ऑनलाइन क्लासेज में बोलना है, यूट्यूब पर बोलना है, लाइव क्लासेज में बोलना है, एक तो इसकी वजह से वाटर कंटेंट कम होता है, पहली चीज़ होती है। और दूसरा चीज़ आप लोग को बोलूँगा, आप लोग हमेशा पानी पीते रहो। दूसरी चीज़ जो होती है, अभी मैं मैक्सिमम टाइम पे लैपटॉप पे ही रहता हूँ, और लैपटॉप आपका अगर बंद करते हो तो क्या हो जाता है, आपका मोबाइल चल जाता है, आपको पता ही होगा। अब लैपटॉप और मोबाइल पर दिन भर रहने से क्या हो रहा है कि आइज में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे जाना है टेस्ट करने के लिए बट जा नहीं पा रहा हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि मोबाइल कम यूज करिए, ज़्यादातर कोशिश करिए कि मोबाइल कम यूज करिए, और लैपटॉप यूज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए। मैं भी अभी करूँगा, क्योंकि अभी मुझे सीख मिल गई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये लगभग एक महीने से बार बार हो रहा था, भी ठीक हो जा रहा था, मैंने आई ड्रॉप डाल के सही कर दे रहा था, बट आई थिंक अभी मैटर सीरियस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो ऐड किया करो, और अगर नहीं ऐड करनी है तो क्वेश्चन पूछा करो कि सर ये इसका क्वेश्चन क्या होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लूँगा तो फायदा रहेगा। लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने आंसर दिया था, अभी मैंने क्वेश्चन फिर से डाल दिया है। क्वेश्चन क्या था आपको समझ आ गया होगा, जो हम लोग यहाँ पे स्लैब डालते हैं तो स्लैब का जो वहाँ पे एंगल देते हैं कितने डिग्री के एंगल होनी चाहिए वहाँ पे वे स्लैब में, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया 38, मिनिमम आपके काम है, आप बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ जिसने भी ऑटोकैड अभी नहीं सीखा है अच्छे से, भाई आकाश पांडे ब्लॉग चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, पढ़ लो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार बैच चल रहा है, 6:30 बाद फिर से आने वाला हूँ। चलिए जय हिंद।